हेलो हिपॉप लिसनर्स, तो क्या हाल है यार। तो भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब मारो चैनल को और जेन्युइन न्यूज़ के लिए मारना, क्योंकि गंजे बुड़ो तो बहुत बैठे यार न्यूज़ देने को, बाकी गलत सलत बताते रहता है। तो अब अपडेट्स की तरफ बढ़ता है। तो पहली अपडेट आ रही है बादशाह की तरफ से। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि बादशाह का एक ट्रैक आने वाला है पायल देव के साथ में, तो वो ट्रैक आउट हो चुका है, आप लोग जाके सुन सकते हो। पायल देव का पार्ट मुझे बहुत ही पसंद आया है। बादशाह का पार्ट कैसा लगा है आप लोगों को, मुझे बता सकते हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ता है। तो अगली अपडेट आ रही है शेट्टी शाह की तरफ से। तो दोस्तों, शेट्टी शाह का एक ट्रैक आउट हुआ है जिसका नाम है रैप मैन, जाके आप लोग सुन सकते हो, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस स्टोरी के बाद थोड़े गुस्से में दिखे शेट्टी शाह और उन्होंने कुछ ऐसी स्टोरी डाली अपने इंस्टाग्राम में। इट फील्स वर्स टू सी सो मेनी पीपल आउट देयर वो अप्रिशिएट द म्यूजिक बट डोंट ट्राई टू पुट अ स्टोरी एंड शेयर। दिस इज नॉट द रीजन व्हाई इवन इन क्वारंटाइन वी एज एन आर्टिस्ट मेक म्यूजिक जस्ट टू कीप यू ऑल मूविंग एंड गेट एंटरटेन्ड। एंड इफ दिस इज द रिजल्ट देन सॉरी टू से नो मोर म्यूजिक फ्रॉम दिस साइड अंटिल इट्स वर्थ फ्रॉम अदर साइड। तो अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ता है। तो अगली अपडेट आ रही है गली गैंग की तरफ से। तो दोस्तों, गली गैंग की जो ईपी है शट डाउन ईपी, उसकी ट्रैक लिस्ट आउट हो चुकी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जो लास्ट ट्रैक आया था बैग, और उसमें ट्रैक 3 लिखा था और मैंने भी कहा था कि ये ट्रैक 3 है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि ट्रैक 1 कब आउट हुआ या फिर 2 कब आउट हुआ, क्योंकि पहले बस क्या आया था और दूसरे नंबर पे ही आ गया था बैग, और हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे बस वही शो हो रहा था कि बस क्या बा और दूसरे नंबर पे बैग। तो यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर कर दूँ। तो नहीं पता जो एक ट्रैक है वो भी आउट हो चुका है पहले, और फ्रेंजी सम्मोहित शारुल और डिवाइन का ये ट्रैक था, आप लोग जाके सुन सकते हो। तो पहला आप लोग मान सकते हो नहीं पता, दूसरा बस क्या बा और तीसरा बैग, जैसे कि आप लोग को पता ही है। और अभी इस ईपी में से कोई सा भी ट्रैक ड्रॉप नहीं होगा, पूरी ईपी ड्रॉप होने वाली है 2 जून को, तो आप लोग इंतजार कर सकते हो। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है लोका की तरफ से। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोग को लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ कि लोका की कंट्रोवर्सी चल रही है एमटीवी के साथ में, और उन्होंने एक डिस्ट्रैक भी निकाला है मुंह में ले, तो उस ट्रैक के बाद बहुत हेट मिल रही है लोका को, और कुछ आर्टिस्ट हैं एमटीवी के वो सामने आए और इस चीज के ऊपर उन्होंने कुछ बोला है। तो एक आर्टिस्ट है जिनका नेम है आशीष भाटिया, तो अभी इन दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो गई है। अब मुझे बैक स्टोरी ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, पर कल लोका ने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाली जिसमें आशीष भाटिया जो है वो स्प्लिट्स विला के जो विनर्स है उनके बारे में बता रहे थे, और वो जो चैट्स थी वो स्प्लिट्स विला शुरू होने के पहले की थी। तो लोका जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि एमटीवी के जितने भी शोज होते हैं स्प्लिट्स विला को मिला के वो सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, पहले से ही विनर्स डिसाइड होते हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे। उसके बाद से शायद इन लोग के बीच में कुछ बातें हुई होंगी। इसके बाद से लोका ने एक डिस्ट्रैक्ट निकाला है जो कि है आशीष भाटिया के लिए, आप लोग जाके सुन सकते हो, उनके YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा और उनके Instagram अकाउंट पे भी। तो उसके नीचे आशीष भाटिया ने कुछ ऐसा कमेंट करा है, मैं आप लोग को शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो उन्होंने ये कहा है कि जो तू ये एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है ये सब तू TRP के लिए कर रहा है, और तेरे गाने MTV हसल के लायक है नहीं, तेरा नाम सुन के उन लोगों ने मना कर दिया होगा। तो उसके बाद से लोका बोलते हैं कि ये देखो आपके रोडी के गुरु कैसे झूठ बोल रहे हैं, और उसके बाद से वो एक लड़की का नाम लेता है जिनका नाम है भव्या, ये भी एक स्प्लिट्स विला की कंटेस्टेंट थी। तो अच्छा बता भव्या ने तुझे क्यों हटाया। तो इसके बाद से आशीष भाटिया ने कुछ स्टोरीज डाली है, नो टाइम फॉर अटेंशन सीकर्स, अगले ट्रैक्स पे काम कर रहा हूं, बहुत जल्दी करूंगा पोस्ट, घर बैठे क्या करें, फेमस नहीं हो पा रहे हैं, चलो फेक कंट्रोवर्सीज करते हैं। तो इसके बाद से लोका ने एक स्टोरी डाली जिसमें वो ये बता रहे थे कि एमटीवी में कैसे पॉलिटिक्स चलती है, तो आप लोग देख सकते हो। ये जो स्टोरी है वो थोड़ी स्प्लिट्स विला से रिलेटेड ही है, मतलब उसके आसपास ही है। एक कंटेस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि स्प्लिट्स विलन थे। एक चीज़ बोलनी है, जब भी माचिस ने पीयूष पे डिस निकाला तो पूरा MTV ने शेयर किया था, मेरा गाना भी पूरे MTV ने देखा था, बट नो वन शेयर्ड, दे ओनली सपोर्ट देयर जूनियर आर्टिस्ट। तो वो यही बता रहे हैं कि जो आशीष भाटिया ने एक डिस्ट्रैक निकाला था पीयूष के लिए वो पूरे MTV ने शेयर करा था, और जब उन्होंने एक ट्रैक निकाला तो किसी ने भी उसको शेयर नहीं करा, सुना सबने था पर शेयर किसी ने नहीं करा। और हाँ, इसके बाद से लोका ने मुक्ता के बारे में भी बात करी है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मुक्ता के ने भी कुछ स्टोरीज डाली है जो कि MTV के अगेंस्ट में, और उन्होंने यही सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे उनके ट्रैक्स का यूज़ करा जा रहा था बिना उनकी परमिशन के। तो इसके बाद से लोका ने कुछ ऐसा लिखा है स्टोरी में, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हेट ऑन MTV कॉज ऑफ मी, इट्स ऑल फेक, शी वॉन्टेड लव स्कूल रियली बैड। तो क्या कहना आप लोग को बता सकते हो उसके बारे में। तो यही सारी स्टोरी चल रही है, मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, इसके बाद से मैं ये स्टोरी कवर नहीं करूँगा। और अब ये जो स्टोरी है वो थोड़ी मतलब MTV स्प्लिट्स विला उधर तरफ जाने लगी है, मतलब ये अपने जोन की चीज़ नहीं रही है, तो आगे से अब ये स्टोरी शायद नहीं कवर करूँ। तो अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है, तो
तो फर्स्ट ट्रैक जो है उसका नाम है सब कुछ बाय जीबी। तो ये ट्रैक आप लोग जाके सुन सकते हो, इसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट्स में भी। तो जाओ सुनो, मुझे बताओ कि आप लोग को ये ट्रैक कैसा लगा है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ट्रैक का कि किस टाइप का ट्रैक है। तो ये जो ट्रैक है वो आप लोग को इमोशनल कर देगा, लिरिक्स अच्छे हैं, रैप अच्छा है, बाकी हुक जो है वो सबसे सही लगा है मुझे इस गाने का और डिलीवरी अच्छी करी है, इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी क्लिप प्ले कर देता हूँ ट्रैक की, आप लोग अंदाजा ले सकते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी अपडेट्स थी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।